Assalamualaikum टू एवरी वन जैलबरी आ गई है जी बहुत ही खूबसूरत सी मिड समर कलेक्शंस और आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा इनके कलेक्शंस को सबको एक साथ कवर कर लिया है क्योंकि इन्होंने ड्रॉप ही एक साथ कर दिए हैं यार सारी आर्टिकल्स वरना तकरीबन मैं जब जब इनके स्टोर्स पे विज़िट करती हूँ तो पाँच छः पाँच या छः आर्टिकल्स कुछ न्यू दिखते हैं मुझे लेकिन आज की वीडियो में तकरीबन आपको सारी आर्टिकल्स न्यू देखने को मिलेंगे और इनमें से कोई भी आर्टिकल आपको पुराना नहीं देखने को मिलने वाला चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से ब्लड रेड कलर के ड्रेस से और दूर से ही बड़ा आई कैचिंग लग रहा था क्योंकि कलर कुछ इस तरह है इसका इसके बॉटम्स पे भी आपको इस टाइप का कटवर्क मिल रहा है और ये थ्री पीस कलेक्शन है अच्छा दुबट्टा मुझे प्यारा लगा इसका ना और जितना भी वीडियो में कलर इसका बहुत ज़्यादा इन्स लग रहा होगा आपको तो ऐसा नहीं है नॉर्मल जैसा रेड कलर होता है वैसा ही है अच्छा आर्टिकल था प्यारा आर्टिकल है अच्छा अभी जो इन्होंने टेक्स्चर दुबट्टे इन्होंने ऐड किए हैं जी इसके साथ और ये अच्छे लग रहे हैं मुझे इन दुबट्टों का इस टाइप का स्टाइल मुझे अच्छा लगा अच्छा इसको डोरिया दुबट्टे भी कुछ लोग कहते हैं और अलग अलग नाम दिए हुए हैं मैं जस्ट टेक्सचर्ड दुबट्टे कहती हूँ उनको और यहाँ पे आपको ना ये आप ये देख सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग मिल रही है इसकी शर्ट पर और दुबट्टों पर और ये जितने भी कलेक्शन आपको दिखाए ना पहला वाला रेड और ये वाला ये दोनों दोनों ही आर्टिकल्स आपको थ्री पीस कलेक्शन में मिल रहे हैं अच्छा इसका बॉटम्स ये देख लो यार प्लेन बॉटम नहीं है लेकिन अच्छा खूबसूरत लग रहा है छः हज़ार की रेंज में अच्छा ये वाला भी ड्रेस आपको फुल थ्री पीस कलेक्शन में मिल रहा है और आज ही इन्होंने डिस्प्ले किया है और बड़ी खूबसूरत सब चलें उसका दुबट्टा भी मैं चेक करवा देती हूँ ठीक है जी दुबट्टा देख लीजिए डोरिया दुबट्टा भी कहलाता है इसको आप स्क्वायर दुबट्टा भी कहलाता है कुछ लोग इसको स्क्वायर दुबट्टा भी कहते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बने हुए होते हैं अच्छा जी चले आगे चलते हैं आगे चल के ना मैं इनके आपको लॉन के कलेक्शंस भी दिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत से ड्रॉप कर दी उन्होंने और बड़े ही अच्छे ब्राइट ब्राइट कलर्स में भी हैं लाइट कलर्स में भी हैं और सभी थ्री पीस कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा इसके अलावा अभी जो इनके ब्रेड कलेक्शंस वाले आर्टिकल थे मैंने सोचा चले पहले इस पर नज़र एक मार ली जाए अच्छा ये देख लीजिए ये भी थ्री पीस कलेक्शन में है बहुत ही प्यारा सा लाइट पीच कलर में आपको ये फुल थ्री पीस कलेक्शन मिल रहा है तकरीबन साढ़े पाँच हज़ार की रेंज में अच्छा जी ये देखिए और ये है जी जस्ट सिंगल शर्ट इनकी और बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत अलग ही एलिगेंट लग रही थी इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा स्लीवस का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी दी हुई है स्लीवस पर और नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है ठीक है अच्छा ये ना सिंगल शर्ट है टू पीस नहीं है ना ही थ्री पीस कलेक्शन है जस्ट सिंगल आपको एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन की मैं शर्ट में से दिखा रही हूँ अच्छा जी इसके अलावा ये भी आर्टिकल चेक करिए अच्छा ये थ्री पीस में नहीं है ये टू पीस कलेक्शन है दुबट्टा आपको यहाँ पे अशिफॉन फेब्रिक पेस्ट का दुबट्टा मिल रहा है और ये दुबट्टे में पेस्टिंग देख सकते हैं आप प्रिंटिंग है पेस प्रिंटिंग आपको मिलेगी और शर्ट पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है ठीक है ये देख लीजिए छोटे छोटे एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स बने हुए हैं जी शर्ट पर और कलर नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है इसका कंट्रास्ट भी बहुत खूबसूरत है और इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है कॉटन फैब्रिक है जिसे विंटर कॉटन भी कहा जाता है आ, कहा जाता है आराम से आप इसको फोर सीजन वेयर किया जा सकता है ये आर्टिकल आ, तो ये जो आर्टिकल है ना ये टू पीस कलेक्शन में है अच्छा इसके अलावा चले मैं जल्दी जल्दी अपने जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दे देती हूँ अच्छा जी अच्छा जी इसके अलावा ये जो पहला कमेंट है इसमें आया कि जेलबरी का फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता प्लीज़ डोंट बाय इसको कोई भी ना ख़रीदें भाई और ये कॉमेंट किया है किसी मेरी बहन ने तो भाई मैं कि अगर किसी का एक्सपीरियंस पर्सनल बुरा हुआ है तो भाई इसमें मैं क्या कह सकती हूँ हो सकता है उनका हुआ हो और बाकी ये कि मैंने भी जैलबरी के ब्रांड से काफ़ी सारे आर्टिकल बाय किए हैं क्योंकि एक तो सस्ती भी है और अच्छी भी ब्रांड लगती है मुझे जैलबरी की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी वाले आर्टिकल्स हो नहीं मेरे अच्छे चल रहे हैं मेरे तो तब मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली भाई अभी तक और अगर यकीन कीजिए कि अगर जैलबरी के एक दो आर्टिकल्स में भी अगर मुझे हाथ में लेने से भी कुछ पता चलता ना अजीब सा या कुछ प्राइजेस मुझे ज़्यादा लगते बन फैब्रिक के यानी कि एक वो चीज़ होती है ना बराबरी वाली कि चले अगर प्राइजेस आप बहुत ले रहे हैं तो हमें चीज़ भी तो फिर वैसी मिले एक ये चीज़ होती है ये ज़रा ध्यान में रखिएगा मेरी इस बात को और दूसरी साइड हमारी ये होती है कि चले ठीक है आ, कुछ लोग अब इतने इतने तो यार पैसे नहीं खर्च कर सकता ना हर कोई नौ नौ दस दस हज़ार रुपये प्रेट कलेक्शंस पर या जस्ट स्टिच कलेक्शन में थ्री पीस कलेक्शन सिंपल सा सूट लेना तो उसके लिए यार नौ दस हज़ार बल्कि नौ दस भी आप साइड पर रख दें अब तो न्यू अराइवल तकरीबन बारह तेरह हज़ार से कम की आ ही नहीं रही किसी सूरत तो भाई अगर इसी दौर में कुछ अच्छा मिल रहा है सस्ते पैसों में तो उसमें बुरा क्या है हम महंगा से महंगा आर्टिकल भी दो तो यार तकरीबन बस दो से तीन तीन बस दो भी बहुत बस दो है तीन नहीं तीन छोड़ दो तीन दफ़ा कोई भी नहीं वेयर करता एक ही अगर ख़ानदान में हमें कहीं जाना है तो बस दो दफ़ा वेयर कर लिया बहुत है तो अगर महंगा वाला लेंगे तो वो भी इतनी दफ़ा वेयर करना है कौन सा इसको यार पहनते रहना है पहनते रहना है ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही मैं आपको एक दोस्ताना ही मशवरा दे रही हूँ क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि भाई फ़लाने नया सूट पहना है तो हमें भी वही नया ही पहन के जाना है अब वो वाला तो दौर नहीं रहा ना या कि पहले अच्छे अच्छे बच्चे उधर बल्कि लड़कियां भी अपनी मम्मी वगैरह की बातें मानती थीं कपड़ों के मामले में लेकिन अब तो यार छोटे बच्चे भी नहीं सुनते ड्रेसेस वगैरह के बारे में अपनी मनमानियाँ करते तो फिर ऐस इस तरह मुझे ये चीज़ जेलरी ब्रांड बहुत अच्छी लगती है कि हाँ इनके प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं थोड़े नहीं बल्कि ठीक ठाक अदर ब्रांड्स के मुकाबले में कम होते हैं लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी सही बोलूंगी कि हाँ इनके फैब्रिक में वो वाली बात नहीं होती जो महंगे और ब्रांडेड फैब्रिक में होती है यानी कि नॉर्मल फैब्रिक यूज करते हैं इतना कोई हाई फाई फैब्रिक नहीं होता प्लेन लॉन होती है जी सिंपल और ठीक है ये बात मैं खुद से भी कहती हूँ और ज़ाहिर सी बात है कि अगर उन्हीं पैसों में कुछ सस्ती चीज़ मिल रही है तो यार कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता है ना अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एम्ब्रॉयडरी भी दे दी खूबसूरत सूट भी दे दिया पैसे भी कम कर दिए और जैलरी की मुझे एक बात इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि ये अपने प्राइजेस वगैरह बढ़ाते नहीं हैं जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे हर ब्रांड्स पर अब न्यू कलेक्शन की लॉन्चिंग शुरू हो गई है क्योंकि सेल चल रही थी बहुत टाइम से अब सेल एंड हो चुकी है तो अब अब बारी खाती है न्यू कलेक्शंस की तो अभी जो इनका न्यू कलेक्शन आया है और मज़ीद अभी रास्ते में ही है इन पर अभी फिलहाल कोई इनक्रीम ब्रांड मुझे तो देखने को नहीं मिला तो बस ये है कि मुझे पर्सनली जेल्बरी ब्रांड अच्छी लगती है और इनके आर्टिकल्स अच्छे चलते हैं लेकिन बशर्त ये कि आप इनको आराम से इतमिनान से वॉश करें यार इतना मशीन मशीन यूज़ ना करो और अच्छा सॉफ्ट माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ कर लें तो कहीं नहीं जाते कलर्स भी और ना कपड़े का फैब्रिक का कोई इशू आता है अच्छा जी इसके अलावा ये बड़ा ही खूबसूरत सा येलो कलर में सूट आ गया है प्रिंटिंग मिल रही है जी पेस्ट प्रिंटिंग आ, मिल रही है आपको यहाँ पे और जो उसका दुपट्टे का फैब्रिक है वो कॉटन नेट फैब्रिक है और कलर बड़ा ही प्यारा है जो एक लड्डू पीला कलर होता है ना ये वो ही वाला कलर है खूब खिलता हुआ सा येलो कलर और इस ड्रेस से पहले जो मैंने अभी जो ड्रेस दिखाया और उस दौरान मैंने जो एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी दे रही थी उस ड्रेस की तारीफ करना भूल गई चले मैं अब कर देती हूँ इस येलो ड्रेस से पहले वाला जो ड्रेस है ना बहुत खूबसूरत था फ्रंट से भी बहुत प्यारा था देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था तो बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप हमें स्टोर पे जाती हैं तो प्लीज़ ये भी बताया करें कि आपको कैसा लग रहा था देखने में कैसा लग रहा था फ्रंट लुक कैसा दे रहा था तो जी बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था और इसी में का ये दूसरा ब्लैक कलर है ये देख लीजिए और लेकिन उस वाले आर्टिकल की बात ही कुछ और थी उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत थी दोबारा से मेरी वीडियो को फिर से पीछे करके देखना और इस वाले आर्टिकल्स हैं अभी इन्होंने फिलहाल दो से तीन कलेक्शंस ब्लैक में ड्रॉप किए हैं और दोनों ही ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट में हैं लेकिन मुझे वो पहला वाला ना ज्यादा अच्छा लगा ये भी प्यारा है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है मैं अपनी पसंद बता रही हूँ मुझे वो पहला वाला ब्लैक बहुत खूबसूरत लगा और इसके अलावा इसका भी जो दुबट्टे का फैब्रिक है वो आपको कॉटन नेट फैब्रिक पे मिल रहा है ठीक है ठीक है जी चले मैं इसको फैब्रिक भी जरा दुबट्टे का सही से दिखा देती हूँ कॉटन नेट फैब्रिक पे मिल रहा है आपको जी इसका दुबट्टा यानी कि क्रिंकल शिफॉन अभी तक फ़िलहाल अभी कि जितने भी कलेक्शन दिखाए ना उनमें तो अभी मुझे सिर्फ एक में ही या दो में शिफॉन दुबट्टे दिखे हैं बाकी ज़्यादातर के साथ कॉटन नेट आपको मिलेगा चलिए जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा मस्टर्ड कलर आ गया है और बहुत प्यारा ये मुझे देखने में ये आर्टिकल यार दूर से बहुत प्यारा लग रहा था दूर से बेचारा सीधा साधा हैंग हुआ हुआ था मैं ये सोच रही थी यार कि इसको इन्होंने डबी वगैरह पे डिस्प्ले करते तो और भी ये प्यारा लगता लेकिन अभी फ़िलहाल ये डिस्प्ले पे नहीं था जस्ट हैंग था तीन हज़ार की रेंज तीन हज़ार दो सौ की रेंज का ये आर्टिकल है और कलर अच्छा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी भी प्यारी लग रही है इसकी फैब्रिक इसका आपको लॉन में मिलेगा अच्छा दुबट्टे का जो फैब्रिक है ना वो भी लॉन में ही है कॉटन नेट दुबट्टा नहीं है ठीक है ये देख लो दुबट्टे का फैब्रिक लॉन में ही मिल रहा है अच्छा जी इसके अलावा ये टू पीस कलेक्शन आपको मिल रहा है और प्राइजेस मैंने आपको बता दिए इनकी जो एम्ब्रॉइडी कलेक्शन वाली जितने भी ड्रेसेस होते हैं उनकी प्राइजेस आपको अच्छे से अब तो सबको पता चल गए होंगे जो जेलरी जो जो मेरी वीडियो चौक से देखते हैं और ये आ गया जी एक और बड़ा ही खूबसूरत सा कलेक्शन अच्छा जी ये देख लीजिए ये भी आपको प्लेन लॉन में आर्टिकल मिल रहा है और इसका दुबट्टे का प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा लूज़ फिट में बनाया गया है ये आर्टिकल कुर्ता स्टाइल में है और इसके दुबट्टे का प्रिंट भी मैं आपको चेक कराती हूँ है तो वैसे दुबट्टा इनका शिफॉन फैब्रिक पर ही है और नेकल लाइन पर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है आपको ठीक है जी और ये जो कलेक्शन आपको मिल रहा है टू पीस कलेक्शन है शर्ट एंड दुबट्टे के साथ आपको ये मिलेगा और प्राइजेस को मैंने दिखा दी तकरीबन तीन हज़ार दो सौ की रेंज में जितने भी इनके एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन होते हैं टू पीस कलेक्शन में अगर उनमें एम्ब्रॉयडरी है तो तीन हज़ार दो सौ तक में आएंगे और अगर विदाउट एम्ब्रॉयडरी है शर्ट एंड दुबट्टा मिल रहा है विदाउट एम्ब्रॉयडरी का तो वो सत्ताईस सौ नब्बे की रेंज में आते हैं अब बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है दुबट्टे का प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था वैसे ये शिफॉन फैब्रिक पे ही दुबट्टा था इसका अच्छा जी इसके अलावा अब कुछ सिंगल शर्ट्स भी देख लेते हैं इनकी यहाँ पे बहुत सारी सिंगल शर्ट्स हैंग हुई हुई थी और दूर से बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी और इसका जो कंट्रास्ट है इसका जैका्ट में है ये स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है आपको ठीक है जी ये सिंगल शर्ट्स हैं सभी और जो जम्ब्रॉयडी कलेक्शन वाली शर्ट होती हैं वो ढाई हज़ार तक की रेंज की होती हैं और जो प्लेन शर्ट्स होती हैं वो होती हैं चौदह सौ नब्बे की रेंज की चलिए जी इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ दरअसल माजरत के साथ मेरा गला ना आजकल बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा मौसम की वजह से भी तो बस मैं यहीं पर आपसे इजाज़त तलब करती हूँ वीडियो बस थोड़ी सी बाकी है वो भी फुल वॉच करके जाना जब तक लिफिया मान अल्लाह हाफिज़